All right, let's also, in fact, cut across to the Maharashtra ATS chief who is speaking right now. This is with regard to the terror module that was busted in Delhi yesterday. Let's listen in. नजर में आदमी था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि ये जो केस हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी. ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई. और इस आदमी के बारे में बता सकता हूँ कि 9 तारीख को इसने जाने का प्रोग्राम बनाया दिल्ली, और फिर ये इसने 10 तारीख को पैसे भी ट्रांसफ़र किए, लेकिन इसका कंफर्म नहीं हो 12 का टिकट. तो 13 तारीख को इसने वेटिंग लिस्ट 6 में टिकट लिया गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस ट्रेन में, और शाम तक इसका टिकट कन्फर्म हो गया, और ये अकेला निज़ामुद्दीन के लिए रवाना हो गया मुंबई सेंट्रल से. इसको रास्ते में जब ट्रेन कोटा पहुंची तो इसको अरेस्ट किया गया. इसके पास कोई एक्सप्लोजिव नहीं मिले, इसके पास कोई वेपन नहीं मिला. जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस के पास है. हमारी एक टीम शाम को दिल्ली जा रही है, इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास है वो हम लेकर आएंगे. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे, और देखते हैं फिर ये केस आगे कैसे बढ़ता है. थैंक यू सर. आपल्याला माहिती असेल, कालची प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये दिल्ली पुलिस ने असं सांगितलेलं आहे की त्याने 6 आरोपीला अटक केलेला आहे, आणि त्या 6 पैकी एक माणूस जान मोहम्मद हे धारावीचा राहणारा इसम असून त्याबद्दल एटीएसची त्याच्यावर बारकाईची नजर होती आणि आता सुद्धा आहे. आणि हा माणूस त्याचे जुने कॉन्टॅक्ट होते डी कंपनीशी, ते फार जुने होते, जवळजवळ 20 वर्ष आधीचे संबंध होते. सध्या त्याची काय परिस्थिती बरोबर नव्हती, आर्थिक परिस्थिती, आणि तो धारावीमध्ये राहायचे झोपडपट्टीमध्ये. 9 तारखेला त्यांनी असा 13 तारखेला जायचे असा प्रोग्राम त्याने एक ट्रॅव्हल एजंटला विनंती केली की मला 13 तारखेचं तिकीट द्या, तर तिकीट उपलब्ध नसून त्याने तात्काळमध्ये तिकीट घेतला. तात्काळमध्ये सुद्धा त्यांची वेटिंगमध्ये मिळाला, परंतु 13 तारखेला संध्याकाळीपर्यंत त्याचं तिकीट कन्फर्म झाला, आणि ते स्लीपर क्लासमध्ये आता S6 बोगीमध्ये होता, बर्थ नंबर 2 त्याच्या होता. आणि तिथे ज्यावेळी ट्रेन कोटा पोहोचली राजस्थानमध्ये, तेथे त्यांना दिल्ली पोलिसने अटक केलं, आणि त्याने का अटक केला, त्याच्या हातात त्याच्याजवळ काय हथियार वगैरे मिळाले नाही, परंतु नेमकी काय इन्फॉर्मेशन होती आणि काय हे कट आहे, काय षडयंत्र आहे, ते सगळं तपासचा भाग आहे, तपास चालू आहे. आणि आपली एटीएसची एक टीम आता संध्याकाळी दिल्लीकडे रवाना होत आहे. Okay, so as you are aware, on yesterday Delhi police had a press conference in which they explained that 6 accused have been arrested in a terrorist case. One of the accused is from Maharashtra. He is a resident of Dharavi, Mumbai. He boarded the train on 13th. He was apprehended by Delhi police when the train reached Kota. Now this fellow has got some old connections with the D company, that is about 20 years back, and he was on our radar like so many other people. I don't want to give the details. He decided to go to Delhi on 9th. He was trying to get reservation. He did not get reservation. He booked a ticket in Tatkal. He got a waiting list number, but it was confirmed by the evening, and he boarded the train. When he boarded this Golden Express train, he was alone. He had some luggage, but there was no weapon. There were no explosives. And when the train reached Kota, he was apprehended by Delhi police. At the time of his arrest, there were no weapons or there were no explosives.
what exactly the information is with them, what is the case, what is the conspiracy, that is with the Delhi police to tell us. We are in touch with the senior officers of Delhi police. Our team is going this evening and we will go and interrogate Jaan Mohammed and try to find out. अभी नेटवर्क कैसा है अंडरवर्ल्ड टेररिज्म की तरफ फिर से दिखाई दे रहा है सर, आपकी जांच में क्या बात आई है सर? अंडरवर्ल्ड का क्या आज की तारीख में कितना होल्ड है हम सबको पता है, लगभग शून्य के बराबर है. एटीएस इज फुली इन कंट्रोल एंड वी हैव गॉट फ्री हैंड फ्रॉम होम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट. सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू से दैट कि अंडरवर्ल्ड का कोई कंट्रोल है. इट इज जस्ट दैट कि दिस केस स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली और दिल्ली से अभी इसको मुंबई तक आता डेवलप होता उससे पहले ही हैज बीन अरेस्टेड. सो वी हैव नथिंग टू से एट द मोमेंट एक्सेप्ट दैट व्हाट एवर दिल्ली पुलिस हैज टोल्ड अस. नहीं, आई कैन नॉट गिव यू ऑल द डिटेल्स. वो जो केस था वो केस 20 साल पुराना केस है, मुंबई पुलिस का केस है और वो केस पायधनी का है, पायधनी पुलिस स्टेशन का केस है. इसमें यही था कि जो ही वॉज वर्किंग एज ए हेंचमैन, जो डायरेक्शंस थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आते थे 20 साल पहले और तब इसने एक जगह एक फायरिंग का केस था, एक तोड़फोड़ का केस था इसके ऊपर. और जो बाकी चीजें हैं इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज विद अस. सर, इस केस में जान मोहम्मद लिखे होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे या अदर कोई होंगे, इसे किसकी इंक्वायरी की, किसको हिरासत में लिया, किस बारे में, क्या कुछ जानकारी? नहीं, हमारे पास केस नहीं है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है. केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया था या दिल्ली को अलर्ट किया? केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया, मुंबई पुलिस को अलर्ट नहीं किया. एटीएस मुंबई को भी अलर्ट नहीं किया बिकॉज ये केस जो ओरिजिनेट हो रहा था ये दिल्ली से हो रहा था, तो सारा काम दिल्ली पुलिस का था. सर, क्या आरोप लगाया जा रहा है कि पता नहीं चल पाया पुलिस को कि वो लेके चले गए जान मोहम्मद को और मुंबई को कुछ पता नहीं चल रहा है मुंबई पुलिस को? इस बारे में आप क्या कहेंगे सर, इस पे राजनीतिक आरोप भी लगे? ये एटीएस का फेलियर है ऐसा बोला जा रहा है. एक देयर इज अ सिटीजन, एक सिटीजन है, एक आदमी है जो आरोपी है, जो धारावी का रहने वाला है, वो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक करता है. ही हैज अ टिकट फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल टू निजामुद्दीन. जब वो ट्रेन कोटा पहुंचती है उसको अरेस्ट कर लेते हैं. हाउ इज इट अ फेलियर ऑफ एटीएस, आई डोंट अंडरस्टैंड. सर, एज यू सेड, एक मिनट, सर, एज यू सेड, एक मिनट, पूछिए पूछिए. सर, एज यू सेड ही वाज ऑन आवर रडार. सर, हाउ डिड यू मिस आउट ऑन दिस इंफॉर्मेशन? देयर आर 1000 पीपल ऑन आवर रडार. बट सर, डू हैव नो क्लू अबाउट दिस गाय. इसने कुछ अभी क्या हुआ क्या है, कुछ बरामदगी नहीं हुई. The Maharashtra ATS, they're speaking at this point in time with respect to one of the terror accused who was from Mumbai. The Maharashtra team will be going to Delhi to, in fact, interrogate him. He is linked. He's from Dharavi in Mumbai, in fact, and has been on the radar of the Maharashtra ATS for a while now. Meanwhile, Maharashtra ATS also said that there has been no failure on our part. This man has been on our radar. Also, in answer to another question, says that nothing to prove that the underworld has any kind of control and that they have a free hand to ensure to keep control over things and to prevent terror.